हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा एक पुरानी वाटर बोतल से पानी ठंडा करने की बोतल, जिसका यूज़ आप किसी भी नॉर्मल वाटर को ठंडा करने में कर सकते हो और आपको इसे कहीं ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये सेम बोतल की तरह ही दिखती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक ले रहा हूँ मैं 40x40mm की हीट सिंक, जिसे मैंने कंप्यूटर रिपेयर शॉप से खरीदा था सिर्फ 5 रुपए में। फ्रेंड्स, इस बोतल में 3 लेयर थी, पहली प्लास्टिक की, फिर इंसुलेशन की, फिर प्लास्टिक की, और ये खाँचा मैंने पीवीसी पाइप का बनाया है। इसका यूज़ ये है, अगर हम इसमें पानी भरते हैं तो वो पानी इंसुलेशन में ना भरे, इसीलिए मैं एक प्लास्टिक का खाँचा फिट कर रहा हूँ, जिससे पानी और इंसुलेशन के बीच में एक दीवार सी बना दे। अब इसे बाहर की तरफ से मैं इंस्टेंट ग्लू से चिपका रहा हूँ, जिससे ये चिपक जाए, और इसे मैं अंदर की तरफ से एयर डाइट से चिपकाऊँगा, जिससे इसमें थोड़ा सा भी लीकेज ना रहे। फ्रेंड्स, अगर इसमें लीकेज रहा तो आप जानते ही हो क्या होगा, जो मेहनत हमने की है वो सब पानी पानी हो जाएगी। आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, ये थोड़ा ज़्यादा कट हो गया है। इसके लिए मैं पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा लगा दे रहा हूँ, जिससे इसमें जो गैप आया है वो भर जाए। अब इसके चारों तरफ मैं एयर लाइट लगा दूंगा, जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए। फ्रेंड्स, जो मैंने एयर लाइट लगाई है वो अब सूख चुकी है। इसे फ्रेंड्स कम से कम 1 से 1.5 दिन लगा सूखने में। और एक ले रहा हूँ मैं सीपीयू फैन, जो कि मैंने कंप्यूटर रिपेयर शॉप से लिया था 40 रुपये में। ये एक पुराना फ़ैन है फ्रेंड्स, आपको पुराना फ़ैन आसानी से मिल जाएगा कंप्यूटर रिपेयर शॉप से। अब इसके चारों तरफ मैं मार्किंग कर लूँगा, जिससे मैं इसमें फ़ैन लगा सकूँ। जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर मैं होल कर लूँगा, और मैं इसके पहली लेयर में ही होल कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि इसमें 2 लेयर हैं। अब मैं ले रहा हूँ 1/2 इंची पाइप के 4 टुकड़े, जिनको मैंने 6 सेंटीमीटर लंबाई में कट कर लिया है। अब मैं इनको चिपका दूंगा फैन के चारों कोनों पर इंस्टेंट ग्लू से। देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से हमारा स्टैंड बन के तैयार हो गया है बोतल रखने के लिए। एक ले रहा हूँ मैं पेल्टी मॉड्यूल, जिस साइड नंबर लिखा होता है उस साइड ये कोल्ड होता है और दूसरी साइड ये हॉट होता है। और अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा थर्मल पेस्ट, ये भी आपको कंप्यूटर रिपेयर शॉप पर मिल जाएगा। अब इस पेस्ट को मैं एल्युमिनियम सिंक के चारों तरफ लगा दूंगा। अब पेल्ट्यू की कोल्ड वाली साइड में सिंक पर लगा दूंगा। अब दूसरी साइड भी मैं थर्मल पेस्ट लगा दूंगा, जिससे इसकी हीट चारों तरफ फैल जाए। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ E8000 ग्लू, जो आपको मोबाइल रिपेयर शॉप पर मिल जाएगी आसानी से। अब इन चारों होलों में मैं ग्लू भर दूंगा, जिससे इस पर मैं फैन लगा सकूँ। फ्रेंड्स, एक बार इसमें फैन चिपक गया तो बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा और इसे सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये 2 से 3 घंटे में आसानी से सूख जाएगा। एक ले रहा हूँ मैं फीमेल डीसी सॉकेट, और ले रहा हूँ मैं 5mm LED, एक ले रहा हूँ मैं 220 ओम रेजिस्टेंस, एक ले रहा हूँ मैं पीवीसी पाइप का टुकड़ा, जिन पर मैं मार्किंग करके 2 होल कर लूँगा, एक सॉकेट के लिए और एक LED के लिए। अब इन दोनों होलों में मैं LED और सॉकेट लगा लूँगा। मैंने LED के नेगेटिव पॉइंट पर रेजिस्टेंस होल्ड कर दिया है, आप चाहो तो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी लेग पर रेजिस्टेंस होल्ड कर सकते हो। अब मैं सॉकेट के दोनों लेगों पर LED के दोनों लेगों को सोल्ड कर दूंगा। जिस साइड रेजिस्टेंस है वो सॉकेट का नेगेटिव पॉइंट है और दूसरा साइड पॉजिटिव पॉइंट। अब मैं फैन के वायर को और पेल्ट्यू के वायर को आपस में जोड़ लूँगा।
रेड वाला रेड के संग और ब्लैक वाला ब्लैक के संग। अब मैं दोनों जॉइंटों पर सोल्डरिंग कर दूंगा जिससे मुझे सोल्डरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इन दोनों वायर को मैं सॉकेट पर सोल्ड कर दूंगा और जो एक्स्ट्रा वायर निकल रहे थे वो मैंने जिप टाई से बांध दिए हैं। अब मैं इसे इंस्टेंट ग्लू से चिपका दूंगा। फ्रेंड्स, इसे चलाने के लिए 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का आउटपुट चाहिए और ये सप्लाई 12 वोल्ट 24 एम्पीयर की है। और आप इस सप्लाई को बनाना चाहते हो तो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। और आप देख सकते हो कि मशीन हमारी चालू हो चुकी है और इसका फैन भी घूमने लगा है। चलो अब इसमें हम पानी भर के देखते हैं ये आखिर कितना ठंडा कर रहा है पानी को। पहले मैं आपको पानी का टेम्परेचर दिखा दूँ, आखिर पानी का टेम्परेचर कितना है। आप देख सकते हो पानी का 32 डिग्री टेम्परेचर है। चलो इस पानी को हम बोतल में भर देते हैं, फिर चेक करेंगे मीटर से आखिर ये पानी को कितना ठंडा करता है। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी है, इसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पूरे पानी को ठंडा होने में। और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 14 डिग्री तक ही ठंडा करेगा पानी को। इतना पानी भी बहुत ठंडा होता है पीने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्लास में पानी लेके आखिर ये कितना ठंडा करा है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ग्लास में ओस जमनी स्टार्ट हो गई है।